हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सलवार में परफेक्ट प्लेट डालने का तरीका। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी हमारी जो सलवार की मूरी है वो क्यों घूमती है और सलवार में प्लेट डालते टाइम हमने किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमारी सलवार के आसन हैं, सलवार को मैंने स्टिच कर लिया है और ये सलवार के पार्ट्स हैं एक तरफ के और ये दूसरी तरफ के पार्ट्स हैं। तो इस तरह से जैसे हम सिंपल सलवार को स्टिच करते हैं उसी तरह से मैंने इस सलवार को स्टिच कर लिया है। जी देखिए, अब हमने प्लेट डालने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारी प्लेट हैं पार्ट्स हैं सलवार के। जी देखिए, इस तरह से दोनों सिलाइयों को आपस में ऐसे मिलाते हुए इनके बीच हम एक छोटा सा नोचस लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से दोनों सिलाइयों को आपस में मैच करने के बाद ऐसे एक नोचस लगाएंगे पार्ट्स के सेंटर में। और इस तरह से हमने एक नोचस लगाया है, इसके ऊपर हमारी प्लेट आएगी, जो हम क्रीज वाली प्लेट डालते हैं वो इसके ऊपर आएगी। और इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी सिलाई को अच्छे से मैच करते हुए इस तरह से और इसके ऊपर सेंटर में एक कट लगाएंगे और इस कट के ऊपर भी हमारी प्लेट आएगी सेंटर वाली। जी देखिए, इसके ऊपर हमने प्लेट डालनी है और जहाँ से हम ये हमारे दोनों आसन हैं इसमें से हम एक आसन के ऊपर दो प्लेट डालेंगे बैक आसन के लिए। तो एक प्लेट को हम इस तरह से रखेंगे और एक प्लेट को हम जहाँ से ऐसे उठाते हुए इसे स्टिच करेंगे और इस तरह से जो हमारी बैक आसन में प्लेट लग चुकी हैं। और उसके बाद जो हमने कट लगाया है पार्ट्स के ऊपर इन्हें लाएंगे इस तरह से सीधा करते हुए। जी देखिए, ऐसे सीधा करते हुए इसके ऊपर हम एक प्लेट डालेंगे, जैसे हम कमीज में प्लेट डालते हैं उसी तरह से हम इसमें इस तरह से एक प्लेट डाल लेंगे। जी देखिए, इस तरह से और दूसरे पार्ट्स के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से प्लेट डालेंगे। जी देखिए, और इसके ऊपर हम प्लेट डालेंगे जब इसे हम अपनी बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से प्लेट डालने के बाद अब हम अपनी बेल्ट लाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया है, ऊपर से नेफा फोल्ड कर लिया है और चौड़ाई इसकी 22 इंच है और लेंथ मैंने 5.5 इंच रखी है। 1/2 इंच हमारा नीचे प्लेट्स में जाएगा और जहाँ से जिसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने नेफा फोल्ड किया है, अब हमने जहाँ से नेफा फोल्ड किया है फ्रंट साइड के सेंटर में से हम 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसी तरह से हम 8.5 इंच का निशान दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। इस तरह से अब हमने जो निशान लगाए हैं जहाँ से हम फ्रंट साइड से जहाँ से हम छोड़ते हुए बाकी की बेल्ट को अपनी सलवार के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट का बैक आसन है जिसके ऊपर हमने बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट की बैक साइड को हम इस तरह से आसन के साथ मिलाते हुए ऐसे अटैच करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमने जहाँ तक लगानी है, जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ तक ही हम इस सिलाई को लगाएंगे। जहाँ तक कि हमें इसको अटैच करना है। अब हम दूसरी साइड से इसे अटैच करेंगे इस तरह से रखते हुए। और ये भी हमने जहाँ तक ही अटैच करना है, जो हमने निशान लगाया है 8.5 इंच का, उसके ऊपर ही इसे अटैच करेंगे, वहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जहाँ तक, और
इस तरह से जो हमारी बेल्ट अटैच हो चुकी है, अब हम फ्रंट आसन लाएंगे। फ्रंट आसन के ऊपर जहाँ से हम आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से प्लेट डालेंगे, और प्लेट हम जहाँ से उठाते हुए डालेंगे, क्योंकि ये मेरे 3 मीटर की सलवार है तो इसमें थोड़ी बड़े साइज़ की प्लेट डलेगी, तो इस तरह से मैं थोड़ी बड़े बड़े साइज़ की प्लेट डालती हूँ, क्योंकि ये हमारी सलवार 3 मीटर की है। और इस तरह से हम प्लेट डालते जाएंगे। आगे भी मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी सलवार की वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इस तरह से हम प्लेट डालते जाएंगे, और ऐसे जो हमारी क्रीज वाली प्लेट आ जाएगी जो हमने नीचे कट के साथ इसे रेडी किया है। जी देखिए, इसे ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, और जो हमने ये सेंटर वाली प्लेट डाली है ये हमारी क्रीज में आएगी, और जो हमने प्लेट डालनी है 8.5 इंच में डालनी है। तो इस तरह से हम साथ साथ में मेज़र करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लेट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से हम प्लेट को कंप्लीट कर लेंगे, एक बार फिर से मेज़र कर लेंगे। जी देखिए, जहाँ से हमारी तकरीबन 2 प्लेट और आएंगी, और ऐसे जो हमारी प्लेट लग चुकी हैं, अब हम इसके ऊपर बेल्ट को अटैच करेंगे, जो हमारी बेल्ट का फ्रंट साइड है। जी देखिए, ऐसे हमारी ये प्लेट 8.5 इंच में आई है, थोड़ी एक प्लेट रह गई है, उस प्लेट को हम जब अपनी बेल्ट अटैच करेंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे, और बेल्ट को हम ऐसे घुमाते हुए बेल्ट का फ्रंट पार्ट लेते हुए इस तरह से रखते हुए ऐसे सिलाई के साथ सिलाई को मैच करते हुए इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेंगे। और जहाँ से हमारी ये प्लेट इस तरह से आएगी, जी देखिए, और इस तरह से जो हमारी एक साइड में प्लेट लग चुकी है, अब हमने दूसरी साइड प्लेट को अटैच करना है, तो हम सलवार को उल्टा करके रख लेंगे। तो इस तरह से हम उल्टा रखते हुए ऐसे इसके ऊपर प्लेट को अटैच करेंगे, यानी कि इसमें प्लेट स्टिच करेंगे जहाँ से उठाते हुए। और इन प्लेट को भी हमने सेम तरीके के साथ ही स्टिच करना है जैसे हमने पहले स्टिच किया है, उतना ही गैप उठाते हुए इसे स्टिच करेंगे ऐसे। और ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है सलवार में प्लेट डालने का, मैं तो हमेशा इसी तरह से प्लेट डालती हूँ, तो जो तरीका मुझे सही लगता है, इजी लगता है, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जहाँ से ये हमारी सेंटर वाली प्लेट आ जाएगी, तो इसी तरह से हम इसको जहाँ से मेज़र कर लेंगे। जी देखिए, जहाँ से हमारी इतनी प्लेट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लेट को थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम पूरी प्लेट को स्टिच कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से जो हमारी प्लेट स्टिच हो चुकी हैं, अब हम इसके ऊपर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम रखते हुए जी देखिए ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी। और इस तरह से हम
अटैच करने के बाद इसके ऊपर जहाँ पर सिलाई लगाएंगे प्लेट्स के बिल्कुल साथ साथ जी देखिए पूरी राउंड में बेल्ट के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी सिलाई लग चुकी है जी देखिए ऐसे हमने बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ प्लेट को स्टिच कर लिया है। बेल्ट के दोनों साइड हमने 2.5 इंच का फैब्रिक छोड़ना है। अगर हम नहीं छोड़ते तो हमारी सलवार की जो मूरी है वो घूमती है। ये देखिए हमारी दोनों साइड में 8.5-8.5 इंच में हमारी प्लेट आई है। ये देखिए अगर हम पूरी बेल्ट में प्लेट डाल देते हैं तो हमारी सलवार की जो मूरी है वो घूमती है। और आपने सेंटर वाली प्लेट का भी ध्यान रखना है, उसके ऊपर आपने कट लगाते हुए ही हमेशा प्लेट को स्टिच करना है। अगर आप इस तरह से सलवार बनाएंगे तो आपकी जो सलवार है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को आगे इसी तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।